हेलो दोस्तों, मैं हूं DRX आसिक इलाही और आप देख रहे हैं ट्रू मेडिकल। आज का रिव्यू होने वाला है विगोरा 50 टैबलेट के ऊपर। जिन लोगों का सेक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, थोड़ी देर सेक्स करते ही वीर्य डिस्चार्ज हो जाता है या फिर पेनिस पूरी पावर के साथ खड़ा नहीं हो पाता, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको क्लियर बता दिया जाएगा कैसे आप सेक्स की सारी समस्या को दूर करके सेक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ डोज कैसे लेनी है और साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचना है। कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम सभी मेडिसिन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विगोरा टैबलेट जाइडस कैडिला कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और 50 mg की ये टैबलेट होती है। एक स्ट्रिप में 4 टैबलेट होती है, जिसका MRP 77 रुपये के करीब होता है। साल्ट की बात की जाए तो इसमें सिल्डानफिल नाम का एक साल्ट होता है। अब बात करते हैं इसके कुछ बेनिफिट के बारे में। विगोरा 50 टैबलेट को पुरुषों में होने वाली इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर किसी पर्सन का पेनिस खड़ा नहीं हो पाता है या फिर लंबे टाइम तक खड़ा नहीं हो पाता या वीर्य जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, तो इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए विगोरा 50 टैबलेट को यूज़ करते हैं। विगोरा टैबलेट पेनिस को पूरी स्ट्रेंथ के साथ खड़ा रखती है और सेक्स लिमिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। इस टैबलेट को खाने के बाद आप बड़े ही आराम से सेक्स को इंजॉय कर सकते हैं। सिल्डेनाफिल, जो इस टैबलेट के अंदर साल्ट है, ये पेनिस के ब्लड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसकी हेल्प से पेनिस बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है और आप आराम से सेक्स इंजॉय कर पाते हैं। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट। अब बात करते हैं डोज के बारे में। आपने विगोरा टैबलेट को सेक्स करने से 1 घंटा पहले दूध या पानी से थोड़ा सा खाना खाने के बाद लेना है। अगर आप ऐसे डोज लेते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक सेक्स को इंजॉय कर सकते हैं। तो ये थे इसकी कुछ डोज। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। विगोरा टैबलेट की कभी भी ओवरडोज ना ले और किसी भी मेडिसिन को यूज करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर ले। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो हेडेक, डिजीनेस, इस तरह के कॉमन साइड इफ़ेक्ट सामने आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये थी विगोरा 50 टैबलेट से रिलेटेड कुछ जानकारी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।